मामला हरदोई के थाना बगोली के गुलरीपुरवा का है, जहां पहले तो घर में आए पिता के दोस्त जगन्नाथ और राम प्रकाश ने दावत खाई। इस दौरान जगन्नाथ और राम प्रकाश नशे में धुत थे, लिहाजा खाना खाकर घर के बाहर पड़ोसी के छप्पर के नीचे सो गए। देर रात जगन्नाथ और राम प्रकाश घर की छत से कूदकर उसके घर में घुस आए और उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे। इस बीच नाबालिग चिल्लाई और उसके परिजन दौड़े। इस दौरान दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सुनिए क्या कहना है नाबालिग पीड़िता का। और हमारे पापा की बीमारी आते हैं। कौन? जगन्नाथ और राम प्रकाश। और तो आया रोटी खाने खाना और हमारे घर आए और पता नहीं कैसे मेरे घर फांद पर गए और मैं पर सो रहे थे और मुझको खटिया पर दबा लिया। मैं चिल्लाने तो मेरे पापा जग पर और तब लेके जी बैठे। इस बात की शिकायत जब थाने में की गई, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस ने मामले की अनदेखी कर दी और इस मामले को सुलझाने का दबाव बनाती दिखी। लेकिन 6 घंटे बाद आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया। सुनिए क्या कहना है एसपी विपिन कुमार मिश्रा का। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर अभी पंजीकृत किया गया है, उसका मेडिकल करा कर और बाकी अगले तक विवेचना की कार्रवाई कराई। SPN9 न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।